पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। I'm sorry, माँ, मैं आपको कभी स्ट्रेस नहीं दूंगा, कभी नहीं। I'm really sorry. मैं अपने बेटे से बात कर रही हूं, तो तुम बीच में इंटरप्ट मत करो। तो मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या किसी ने? मैंने कहा ना, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूं, तो यहां क्यों खड़ी हुई हो? नए रिश्तों को पकने में समय लगता है बेटे। नए रिश्तों पर ना कमियों पर ध्यान पहले जाना है, पर तुम अपना ध्यान कमियों पर नहीं खुशियों पर रखना। मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, साथ में ढेर सारी खुशियां मिलेगी, बस उन पर ध्यान देना बेटे। मुश्किलों से घबराओगी ना तो वो किराएदार बन के बैठ जाएंगे और एक दिन मालिक बन जाएंगे। बड़े कुछ बोल भी देना बेटे। बोलो मम्मा। आप सही कह रहे थे पापा, नए रिश्ते, नए आंगन, वक्त लगेगा, लेकिन मैं इन्हें अपना बना लूंगी। ये भी मेरी फैमिली है। अब पूरी हो गई है फैमिली। आस्था जी, भगवान करे मेरी तीनों बेटियों का घर खुशियों से भरा रहे, और पल्लवी के ससुराल वाले ना उसे अपने मन से अपना ले। मन से उतर गई है ये लड़की मेरे, अब बस अब अपने बेटे को अपने से दूर नहीं होने दूंगी मैं। आज नया दिन है, नई शुरुआत, सब अच्छा होगा। सबकी शिकायतें दूर कर दूंगी। आइए मामा, आइए। अच्छा लग रहा है आपको? चाय बनाऊं आपके लिए? चाची आपके लिए पराठा? अबिल बैठी, यहां तो सब रेडी है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आपके लिए और चाची जी के लिए अदरक वाली चाय, ये लीजिए। आकाश, तुम्हारी कॉफी मैं भूल गई। कमिंग टू यू इन 2 मिनट। सॉरी। चल जाता आकाश, क्या कर रहे हो? जल तो गई। कहाँ?
कॉफी? शक्ल देखो कॉफी की, ये लो। आकाश क्या कर रहे हो? क्या मारा मायका है? लेकिन मेरा तो ससुराल है ना। तो अच्छा एनीवे थैंक यू इतनी खूबसूरत सुबह के लिए एंड सॉरी कल रात के लिए। तुम्हारा पति बेमतलब ही, यू नो इट्स ओके। बहुत स्ट्रेस में था कल मेरा पति, तो उसकी शिकायत करना बंद करो। चेस एक रात की दूरी बन गई सुबह की मजबूरी है दीदी। चलो भूख लगी है यार, और मां कसम क्या क्या दिख रहा है यार आज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पल्लवी, इतना सब कुछ सुबह सुबह तैयार, क्या बात है। मतलब आज से मेरी किचन की ड्यूटी खत्म। 15 दिन की मेहमान है, अपने मिजाज को काबू में रखो, बाद में तुम्हें ही बनाना है। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं नहीं भाभी, सब कुछ रेडी है, सब कुछ हाई प्रोटीन और ग्लूटेन फ्री है। अच्छा ये लीजिए पापा जी, ओट्स, बेसन का चीला, भाकरी, फ्रूट, मल्टीग्रेन टोस्ट, व्हाइट बटर, सब कुछ हेल्दी है। आप बस बताइए क्या चाहिए। आई होप आप सबको पसंद आएगा। अरे इतनी सुबह कौन आ गया? पापा जी मैंने बुलाया है, मैं खोलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। ये प्रिया है डाइटिशियन। ये चीले, दलिया, क्या क्या रखा है खाने के लिए? बीमारों का घर है क्या ये? चाची जी बीमारों का घर ना बने इसलिए तो इसे बुलाया है। तो क्या अब ये चूल्हा चौका करेगी? माँ एक बार सुन तो लो। चाची जी ये हम सब फैमिली मेंबर्स का एक प्रॉपर हेल्थ चार्ट बनाएगी, पूरा स्केड्यूल जिसमें कब किसको क्या खाना है, नेक्स्ट मील कब होगा, वो सब लिखा होगा। और उसके लिए पहले हमें हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा। ये सब वो करे जिन्हें कुछ पता ना हो, हम सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मम्मी जी अंडरलाइन कंडीशंस का किसी को जानने ना जानने से क्या ताल्लुक है? जैसे अभी आकाश रिकवर हो रहा है तो इनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स नवी भैया से बहुत डिफरेंट होगी, राइट? और कल आप भी बीमार पड़ गई थी, सोडियम लेवल्स में भी, या जो भी रीजन हो, अगर सब हेल्दी रहेंगे तो सब हैप्पी रहेंगे, इसलिए प्रिया को बुलाया। वैसे बात तो सही कह रही है पल्लवी। नहीं हाँ, और क्या है, हमारी सबकी उम्र भी अलग अलग है, तो किसी एक प्रोफेशनल को लाना सही भी है। मेरी तबीयत जिस वजह से खराब, उसके लिए डाइटिशियन की जरूरत नहीं है। सॉरी मम्मी जी, पर जो भी रीजन हो, अगर एक हेल्दी चार्ट बन जाए ना तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। थैंक यू पापा जी, थैंक यू चाचा जी, आपने मुझे सपोर्ट किया, वरना इस उम्र में ना पेरेंट्स सुनते ही नहीं है। मेरे पापा भी ऐसे ही बोलते थे कि सब ठीक है सब ठीक है, लेकिन समय के साथ ना बॉडी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है। करेक्ट, आई एग्री। मॉम आप देख लेना, पल्लवी ना सबको 15 दिन में सुपर फिट कर देगी। वेरी गुड। And first step, weighing machine. मैं लेके आता हूँ। Thank you भैया। कल दीदी ने वचन लिया, आज ये सबका वजन ले रही है। मुझे ना ये जो कमरा जैसा है ना, उसको कमर बनाना है, वो जो बेशरम गाना है ना वैसा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेशरम तो हो और कितना होगी? लो, तुम अभी अपने पापा की बात कर रही थी ना, उन्हीं का फोन आया। नमस्ते भाई साहब। हाँ जयदेव जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी सब ठीक है, आप बताइए। हाँ हाँ, वो ऐसा है कि आज पग फेरे का दिन है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को फोन करके पूछ लूं कि पल्लवी और आकाश हमारे घर कब तक पहुँचे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, वो ऑफिस के बाद आकाश पल्लवी को लेके आ जाएगा आपके घर पे। चलो अच्छी बात हुई। अच्छा ये भी जानना था कि पल्लव, हेलो, उसे पल्लो गई, उसे एक बार भी बात नहीं हुई, ना इसका कोई मैसेज आया है। काश सब कुछ ठीक हो वहां पर।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।